चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह की फिल्म क्राइक फाइटर ने एक और नया अध्याय रच दिया है। जी हां, आपको बता दें कि होली के मौके पर पावर स्टार पवन सिंह की फिल्म क्राइक फाइटर पूरे बिहार झारखंड के बॉक्स ऑफिस के साथ साथ पूरे इंडिया में एक साथ प्रदर्शित किया गया था, लेकिन फिल्म ने बिहार और झारखंड के बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने शानदार 9वां सप्ताह प्रवेश कर लिया, जो कि 4 साल के इतिहास में पहली कोई ऐसी भोजपुरी फिल्म बनी है जो 9वें सप्ताह भी बिहार और झारखंड के बॉक्स ऑफिस पर बरकरार है। हालांकि आपको बता दें कि पिछले सप्ताह ही पवन सिंह की फिल्म क्राइक फाइटर ने 50 दिन शानदार प्रवेश कर लिया था, लेकिन अब फिल्म ने एक और कदम बढ़ाते हुए फिल्म का 9वां सप्ताह बिहार और झारखंड के बॉक्स ऑफिस पर चल रहा है। जी हां, बिहार के आरा में सपना थिएटर और सीतामढ़ी के शंकर थिएटर में फिल्म का शानदार 9वां सप्ताह प्रदर्शन किया जा रहा है। यानी कि 9वें सप्ताह भी आरा और सीतामढ़ी के सिनेमाघरों में पवन सिंह का जलवा भोजपुरी दर्शकों को देखने को मिल रहा है। हालांकि आपको बता दें कि फिल्म में पवन सिंह का जोरदार एक्शन अवतार भोजपुरी दर्शकों को काफी ज्यादा आनंदित करता है। खास करके साउथ और बॉलीवुड विलन प्रदीप रावत पहली बार किसी भोजपुरी फिल्म में नजर आते हैं, जो पवन सिंह के साथ दमदार डायलॉग और जोरदार एक्शन पैक अंदाज में नजर आते हैं, जो दर्शकों को काफी ज्यादा रोमांचित करता है। खास करके पवन सिंह के दमदार डायलॉग पर भोजपुरी दर्शक सिनेमाघरों में जमकर सीटी बजाते हुए नजर आते हैं। और तो वहीं निधि झा यानी कि भोजपुरी की लुलिया गर्ल पवन सिंह के साथ इस फिल्म में नजर आती है, जो दर्शकों को काफी ज्यादा रोमांचित करता है। कुल मिला के कहा जाए तो पवन सिंह की क्राइक फाइटर में वो सभी मसाला मौजूद थी जो भोजपुरी दर्शकों को पसंद आई थी, तभी तो फिल्म ने शानदार 9वां सप्ताह भी अभी भी बिहार और झारखंड के बॉक्स ऑफिस पर बरकरार है। ऐसे में अगर आप लोगों ने अभी तक फिल्म नहीं देखा है तो आप अपने नजदीकी सिनेमाघरों में जाकर फिल्म क्रैक फाइटर का लुत्फ उठाएं, और जिन लोगों ने फिल्म को देखा है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको पवन सिंह का एक्शन पैक अंदाज क्रैक फाइटर में कैसा लगा।